केंद्र सरकार द्वारा कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की कोशिश रंग ला रही है। डिजिधन योजना का फायदा ग्राहकों और व्यापारियों को मिल रहा है। दिल्ली में रहने वाले नवीन पेशे से व्यापारी हैं और अपने कारोबार में कैशलेस ट्रांजैक्शन का उपयोग उनके लिए फायदेमंद रहा। नवीन ने डिजिधन व्यापार योजना के तहत 50,000 रुपए जीते हैं। हमें 50,000 रुपए का इनाम ये डिजिधन व्यापार योजना में 31 दिसंबर को न्यू ईयर गिफ्ट के तरह हमें ये मिला है। इतने बड़े भारत में कि हम विनर हो सकेंगे ऐसा सच में उम्मीद नहीं थी। इस योजना की तारीफ करना चाहूँगा कि ये जो कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए और हमारे व्यापार भाइयों के लिए सभी एक जो योजना है और कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है और मुझे भी बहुत खुशी है कि उसमें हमें भी एक ऐसा सौभाग्य मिला कि हमें भी एक इनाम की राशि बतौर डिजिधन व्यापार योजना के तहत हमें मिली, तो काफी खुशी है। नवीन मानते हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शन व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए सुविधाजनक है। व्यापारियों के लिए पैसा लेने के लिए भी और किसी को मार्केट में जाके परचेज करने के लिए कुछ खरीदने के लिए भी जितनी सुविधा है कि आप बिना पैसे लिए, रास्ते का जोखिम भी नहीं है,